हजारों ट्रैक्टर यहां पर पहुंचे हैं और जो कुंडली से आएंगे जो सरदार हैं उनका जोरदार स्वागत होगा। मैं आपको दिखा सकता हूं जहां से जहां तक जाए वहां ट्रैक्टरों की है। और किसान नेता दीपक धनखड़ हमारे साथ है। दीपक, हजारों ट्रैक्टरों के साथ कुंडली से जो सरदार निकले उनके स्वागत की कैसी तैयारियां? देखिए, हजारों ट्रैक्टरों के साथ जो हमारे पंजाब से बड़े भाई किसान आ रहे हैं उनका हम पलके बिछाकर स्वागत करेंगे और जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, हम मजबूती से पूरे देश का किसान आज इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है और हम शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को अपनी बात मनवा के रहेंगे। 26 तारीख की पूरी तरह तैयारी कर ली है, कल हालांकि वार्तालाप होनी है, उसका विश्वास नहीं है आप? देखिए, 8 तारीख की वार्तालाप पर हम इतने दिन से तो बरगलाया जा रहा है लेकिन 8 तारीख की वार्तालाप पर भी हम पॉजिटिव है कि मोदी जी हमारे ये जो काले कानून जो हमारे ऊपर थोप रखे इसको वापिस ले ले, अगर नहीं वापिस लेंगे तो भाई हमको मजबूरी में 26 जनवरी को जाना पड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया। मैं और किसी और से बात कराता हूँ। प्रधान जी, कैसी कैसी तैयारियां हैं? हजारों की संख्या में है हमारी माता बहनों को टेटे चला के लेकर आ रही है और आज तो ये 26 जनवरी की हमारी परेड है। जानते रिहर्सल है ये तो और कानून में सभी से प्रधान जी ने बताया है अनुशासन में रखे, एक ट्रैक्टर पीछे एक ट्रैक्टर जाएगा। काफी संख्या में महिलाएं भी हैं, महिलाएं ट्रैक्टर लेकर खुद चला जा रही है। और भी किसी से 8 तारीख का रिजल्ट आना, 26 तारीख की तैयारियां शुरू कर दी है किसानों ने। और पार करके छोड़ेंगे, और पार करके हर बार के मूड में, हर बार के मूड में, जहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाए वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान है। यहाँ पर युवा किसान हमारे साथ है और जनाब 26 तारीख की पूरी तरह से किसानों ने तैयारी है। अगर नहीं दिया ना तो उड़े पहुंच जाएंगे। और जहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर युवा किसान खुद ट्रैक्टर चलाकर यहाँ पर पहुंचे हैं। 26 तारीख का रिहर्सल लगा रहे किसान, लगातार हजारों की संख्या में सरदार किसानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल है। और अगर 26 तारीख को आप लोगों को जो दिल्ली का आदेश है वो पूरी तरह से आप लोग तैयार है? पूरे तैयार। हाँ, 26 तारीख को। जी जी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तिरंगा लगाकर ये लोग और निकले हैं ताकि उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ रिहर्सल है और हमें सरकार पर कोई भी उम्मीद सरकार से बिल्कुल नहीं बची है क्योंकि सरकार लगातार आठ वार्तालाप हो चुके हैं, 8 बार वार्तालाप हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने हमारी मांगे नहीं मानी। इस वजह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पर, हजारों की संख्या पर किसान निकले हैं अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर निकले हैं और जो भी किसान यूनियन के जो झंडे हैं उसके साथ वो निकलेंगे और जो कुंडली से जो सरदार यहाँ पहुँचेंगे उनका स्वागत करेंगे, साथ ही उनको आश्वस्त करेंगे जो भी वो फैसला लेंगे वो शांतिपूर्वक हम लोग उनका पालन करेंगे और उसके बाद 26 तारीख को हम लोग और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। शुक्रिया।
से बाहर निकलोगे आप सामने ही चौराहा बनेगा, राइट हो जाओ सीधा बाद में ऊपर ब्लॉक हुआ जी सर। हाँ जी पकौड़े वाले चौक चारों